नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिकोडर्मा कर्मा आयुर्वेदा में, जहां हम आपको त्वचा से जुड़ी कई ज़रूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि विटिलोगो से पीड़ित मरीज अचार खा सकते हैं या नहीं। अपने विषय पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय। विटिलोगो से पीड़ित व्यक्ति को अपना रोजाना के आहार में अधिक तेल मसालों वाली चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें डिब्बा बंद आहार का सेवन भी वर्जित है। और बात अगर अचार की करें तो विटिलोगो से पीड़ित व्यक्ति अचार का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि अचार में बहुत अधिक तेल और मसाला होता है। ये दोनों ही चीज़ें विटिलोगो रोग में हानिकारक होती है, इसलिए किडनी के मरीजों को इसका सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप या आपका कोई अपने त्वचा से जुड़ी समस्याओं का शिकार है तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको त्वचा से जुड़ी सभी प्रकार समस्याओं का समाधान मिलता है, और ये उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप त्वचा से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।